हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एनसीईआरटी क्लासेस बाय राकेश टेमरे सर। आज हम बात करेंगे बच्चों क्लास ट्वेल्थ एनसीईआरटी मैथमेटिक्स के चैप्टर नंबर 3 मैट्रिक्स की, जिसमें हम आज देखने वाले हैं एक्सरसाइज 3.2 के सॉल्यूशन को, है ना। इसके पहले हमने 3.2 के सॉल्यूशन का पार्ट 1 देखा था, अब हम बात करेंगे पार्ट 2 की। इसमें कुछ क्वेश्चन रह गए थे, उन पर चर्चा करने वाले हैं। चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले ज़रूरी बात कि जो भी बच्चों ने इस चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को इनेबल कर ले, जिससे कि इस पर जब भी वीडियो अपलोड होगी तो सर्वप्रथम आपको प्राप्त होगी। तो देखिए, चलो चालू करते हैं आज की क्लास। तो आज की क्लास में हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया गया हमारे पास, कहता है कि सरल कीजिए, है ना। क्या कहता है, सरल कीजिए। कॉस थीटा, है ना, कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इंटू एक मैट्रिक्स दिया है कि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा एंड साइन थीटा। ओके, तो हमें इसको सॉल्व करना है ना, सरल करना है। तो देखिए, इसको जब हम सरल करेंगे तो हल में देखिए क्या होगा, इस कॉस का पहले अंदर मल्टीप्लाई कीजिए तो क्या होगा, कॉस इंटू कॉस, ये तो करेंगे मल्टीप्लाई, है ना। तो क्या हो जाएगा, कॉस का अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ये होगा हमारा कॉस इंटू कॉस कॉस स्क्वेयर थीटा, ठीक है। अब कॉस का मल्टीप्लाई यदि साइन में करता हूँ तो ये हो जाएगा साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है। अब मैं कॉस का मल्टीप्लाई साइन में करूँगा तो माइनस क्या होगा, कॉस थीटा और ये हो जाएगा साइन थीटा। फिर मैं कॉस का मल्टीप्लाई का और कॉस में करूँगा तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, क्लियर हो गया। प्लस अब देखो, साइन का मल्टीप्लाई अंदर करेंगे तो क्या होगा, ये साइन, सॉरी क्या हो जाएगा, जब अंदर गुना करेंगे तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। इस साइन थीटा का माइनस कॉस थीटा में मल्टीप्लाई करूँगा तो माइनस साइन थीटा और ये हो जाएगा कॉस थीटा, ओके। अब देखिए, साइन थीटा का मल्टीप्लाई मैं कॉस थीटा में करूँगा तो हो जाएगा साइन थीटा एंड कॉस थीटा, ओके। अब साइन का मल्टीप्लाई साइन में करेंगे तो हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, क्लियर हो गया इतना। अब हम दोनों को ऐड करेंगे, ठीक है बच्चों। अब देखिए, जब ऐड करेंगे तो ये कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, तो ये हो जाएगा हमारा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ओके। अब बात करेंगे साइन थीटा कॉस थीटा प्लस और माइनस, माइनस हो जाएगा तो होगा साइन थीटा एंड कॉस थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक। अब क्या काम करेंगे हम कि इस माइनस कॉस थीटा साइन थीटा में प्लस साइन थीटा कॉस थीटा को ऐड करेंगे, तो इसको माइनस साइन थीटा कॉस थीटा लिख सकते हैं, इसको कोई दिक्कत नहीं है, क्रम मिनिमम का पालन करते हैं। तो माइनस साइन थीटा कॉस थीटा प्लस ये क्या हो जाएगा, साइन थीटा एंड कॉस थीटा, क्लियर। अब कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा लिखेंगे तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, क्लियर है। अब देखिए, इज इम्प्लाइज क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये हो गया बेटा 1 हमारा, ठीक। अब देखो, साइन थीटा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा तो कैंसिल हो जाएगा, ठीक। अब देखिए, माइनस साइन थीटा कॉस थीटा और प्लस साइन थीटा कॉस थीटा ये भी कैंसिल हो जाएगा। तो देखो, यहाँ जब ये कैंसिल हो गया तो ये जीरो हो गया, ये जब कैंसिल हो गया तो ये जीरो हो गया। अब देखो, ये कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है, ये 1 लिख दिया हमने। तो देखिए, ये हमारा क्या होगा, आंसर होगा। और दूसरी बात, इसको हम क्या कहते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं, कहते हैं कि नहीं इसको, तत्समक आव्यूह, ठीक है। अब देखिए, क्वेश्चन नंबर हम 7 की बात करते हैं, ठीक। ये क्वेश्चन समझ में आ गया ना, ईजी था बहुत। अब देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं, कहता है कि x तथा y ज्ञात कीजिए, मुझे x और y ज्ञात करना है इसमें से, क्लियर है। अब देखिए, x और y मुझे ज्ञात करना है, जब ज्ञात करूँगा मैं तो यहाँ पर देखिए कि x और y ज्ञात करने के लिए यहाँ पर क्या बोला है कि x प्लस वाई इज इक्वल टू एक मैट्रिक्स है और x माइनस वाई इज इक्वल टू एक मैट्रिक्स है, इतनी बात क्लियर है, ठीक। अब क्या होगा, अब इसका हम हल देखेंगे, हल कैसे निकाल सकते हैं। इसमें दो गणित है, पहला वाला बता रहा हूँ मैं, सातवें का पहला बता रहा हूँ आपको, ठीक। तो देखिए, आप क्या काम कीजिए कि x प्लस वाई इज इक्वल टू ये दिया है 7025, इसको दे दीजिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट, व x माइनस वाई इज इक्वल टू इसको देखो 3003, इसको दे दीजिए इक्वेशन नंबर सेकंड, ठीक है। अब हम बोलते हैं कि समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, है ना, क्या करने पर, जोड़ने पर। अब देखो, यहाँ पर जोड़ने पर मतलब हम विलोपन विधि यूज़ कर रहे हैं, कहाँ की, क्लास टेंथ की, याद कर लो, ठीक है, काम आएगी यार, है ना, विलोपन प्रतिस्थापन वज्रगुणन बहुत जगह काम आने वाली, तो इसलिए आप क्लास टेंथ की मैथ्स, अगर जिसको विलोपन प्रतिस्थापन वज्रगुणन याद नहीं है और आलेखी विधि भी याद नहीं है तो याद कर लो, है ना, इंपॉर्टेंट है, ठीक। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, दोनों को जोड़ रहा हूँ, तो क्या बोल दिया मैंने,
तो ये हो जाएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 7025। देखो एक बार मैं ऐसा बता देता हूँ, मैंने इकट्ठे आपको एक साथ बताया था इसके पहले, लेकिन अब अलग अलग देखो क्या हो रहा है। x माइनस वाई इज इक्वल टू क्या है 3003। क्लियर। अब देखो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर जोड़ रहा हूँ, तो जोड़ूंगा तो चिन्ह देखो ध्यान से, चिन्ह में बदलाव होता है क्या? नहीं होता। देखो ये प्लस, देखो यहाँ पर प्लस रहेगा, प्लस 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 ही होता है, ठीक है, तो प्लस ही होगा। अब देखो यहाँ पर मैं जब प्लस लिखूंगा तो प्लस और माइनस क्या होगा, माइनस ही होगा। यही बात समझ में आ रही है कि माइनस ही रह जाएगा। अब देखो ये प्लस होगा, दोनों ऐड हो जाएगा, ठीक। तो हम क्या काम करने वाले हैं कि एक्स प्लस एक्स कितना हो जाएगा, 2x होगा। और देखो वाई माइनस वाई कैंसिल आउट हो जाएगा ये तो, ठीक, इज इक्वल टू। अब देखो ध्यान से हम क्या काम करेंगे, क्या हो जाएगा ये, ये हो जाएगा हमारा 7। अब ध्यान से देखिए कितना होने वाला है, जब इसको ऐड करेंगे दोनों को तो मैं क्या काम करूँगा, 7 में संगत अवयव में संगत अवयव जुड़ जाते हैं, 7 3 कितना होगा 10 हो जाएगा, 0 0 0 ही होगा, 2 0 2 होगा, एंड 5 3 8 हो जाएगा। क्लियर है। अब मैं 2 का ट्रांसफर इधर कर देता हूँ, तो x इज इक्वल टू कितना होगा, 2 इधर जाएगा तो 1/2 इंटू हो जाएगा 10 0 and 2 and 8। अब देखिए अगर मैं सब इन सभी में से अगर 2 कॉमन कर दूँ, है ना, 2 कॉमन कर दूँ तो क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पर हम इसको राइट कर देते हैं, अगर हम यहाँ से 2 कॉमन कर दिया जाए तो कितना होने वाला है, 2 कॉमन करेंगे तो ये हो जाएगा बेटा x इज इक्वल टू, ये होगा x इज इक्वल टू, जब भी मैं से 2 कॉमन कर देते तो 2/2 होगा, पहले से 2/2 में दिया गया है। देखो 10 में से 2 जब कॉमन होगा तो 5 हो जाएगा, 0 रहेगा। देखो 2 में से 2 कॉमन हो गया तो 1 हो गया, और 8 में से 2 कॉमन होगा तो 4 हो जाएगा। क्लियर। देखो 2 से 2 कैंसिल, x इज इक्वल टू कितना हो गया, 5014। ये हो गया हमारा एक आंसर। इतनी बात क्लियर हो गई। अब क्या काम करेंगे, इस x की वैल्यू को आप समीकरण नंबर 1 में रख दीजिए। तो समीकरण नंबर 1 में वैल्यू रखेंगे तो कितना होगा, x की वैल्यू रख रहा हूँ, देखो x की जगह क्या हो जाएगा, 5014, ठीक। अभी हो जाएगा प्लस y इज इक्वल टू, देखो कितना दिया है, 7025, ठीक, 7025। अब क्या होगा हमारा, इसका हम इधर ट्रांसफ़र कर देते हैं, तो y इज इक्वल टू कितना होगा, 7025 माइनस 5014। क्लियर है, इतनी बात समझ में आ गई। अब क्या काम करेंगे हम, इसको घटा देते हैं, 7 माइनस 5 कितना होगा, 2, 0 माइनस 0 0, 2 माइनस 1 1, एंड 5 माइनस 4 कितना हो जाएगा, 1। ये आपका y की वैल्यू हो गई, ये हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। इतनी बात क्लियर हो गई। तो देखो हमारा क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट भी हो चुका है, ठीक है, और हमारा 6 भी हो चुका है, तो आप दोनों को नोट कर लीजिए। देखते हैं अब इसका क्वेश्चन नंबर हम सेकेंड, है ना, 7 का सेकेंड क्या होगा। तो यहाँ पर हम इसको क्लीन कर दे रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6 को, और यहाँ पर हम 7 का सेकेंड देख लेते हैं क्या कहता है। सेकेंड दिया गया बेटा हमारे पास कि 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 2340, एंड और क्या दिया गया है कि 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 2 माइनस 2 माइनस 1 एंड 5। ये दिया गया है हमारे पास। अब इसे सॉल्व करना है हमें, तो कैसे हल करेंगे, देखो बहुत ही ईजी, ज़्यादा कठिन नहीं है भाई। हल में क्या करना है इसको कि, अब देखो हल में क्या करेंगे, सेम यही प्रक्रिया अपनाएंगे, क्लियर है, यही प्रक्रिया अपनाने वाले, कोई कठिन नहीं है, ठीक। तो क्या हो जाएगा, इसको हम 2x प्लस 3y इज इक्वल टू, ये होगा 2340, इसको दे देते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। एंड अब देखो ये सेकेंड वाले को, तो ये 3x प्लस 2y इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 2 माइनस 2 माइनस 1 एंड 5, इसको दे देते इक्वेशन नंबर सेकेंड। इतनी बात क्लियर हो गई। अब हम क्या करेंगे कि समीकरण नंबर, यहाँ पुनः विलोपन लगाऊंगा, तो समीकरण नंबर 1 × 3 व समीकरण नंबर, है ना, समीकरण 1 में 3 का गुना करेंगे व समीकरण नंबर 2 में हम किसका गुना कर देते हैं, 2 का गुना, 2 कर क्या करने पर, घटाने पर, घटाने पर क्यों कर रहे हैं ऐसा, तो देख लीजिए।
अगर मैं सबसे पहले यहाँ पर मुझे कोई ना कोई एक चर को यानी कि एक्स या वाई को तो हटाना पड़ेगा, इतनी बात समझ में आ गई। जब मुझे यहाँ से एक्स या वाई को हटाना पड़ेगा तो मैं सोच रहा हूँ कि एक्स को क्यों ना हटा दिया जाए। जब एक्स को हटाना है मुझे तो मैं क्या काम करूँगा, एक्स के गुणांकों को बराबर कर दूंगा। यहाँ पर एक्स का गुणांक देखो 2 है, यहाँ पर एक्स का गुणांक 3 है। अब देखो बराबर तो दिख नहीं रहा, बराबर लेना है तो मैं एक काम कर देता हूँ कि अगर समीकरण नंबर 1 में मैं 3 का गुणा कर दूँ तो ये 3 × 6 हो जाएगा, समीकरण नंबर 2 में अगर मैं 2 का गुणा कर दूँ तो ये 3 × 6 हो जाएगा, ठीक है। तो दोनों तो बराबर हो गए। अब देखो कि दोनों के सामने कौन सा चिन्ह है, धन का चिन्ह है, समान चिन्ह है ना, समान चिन्ह है तो अगर इसको चिन्ह बदलना पड़ेगा मुझे, तो मैं क्या काम कर देता हूँ कि समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटा देता हूँ। यही बात होगी कि समीकरण 1 में से 2 को हटाऊंगा तो ये चिन्ह बदल जाएंगे तो घट भी जाएगा, ठीक है। तो हम क्या करने वाले थे कि समीकरण नंबर 1 में 3 का गुणा करने वाला, तो लेफ्ट में भी करूंगा राइट में भी करूंगा। तो देखो अगर मैं 3 का इधर गुणा कर दूं तो देखो 3 को ऐसा लिखेंगे 3, यहाँ बात समझो अच्छे से। अगर मैं 3 का मल्टीप्लाई करता हूं तो 3 ये हो जाएगा 2x प्लस 3y इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 3 × 2 3 4 0। ओके, अब देखो जब 3 का मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा 3 × 6x धन 3 × 3 9y इज इक्वल टू, 3 का गुना करेंगे तो जाएगा 3 × 6 3 × 3 9 3 × 4 12 और 0, ठीक है। अब क्या काम करेंगे देखो ध्यान से कि अगर अब मैं इसी प्रकार अब क्या करूँगा, समीकरण नंबर 2 में 2 का गुना कर दूँ तो 3 × 6 हो जाएगा 6x धन 2, अब कितना होगा 2 का गुना कर रहा था 2 × 4y बराबर, इधर 2 का गुना करने वाला हूँ तो 2 × 4 2 × 4 2 × 1 = 2 और 2 × 5 = 10, ठीक है। अब मैंने बोला था घटाने वाले हैं तो माइनस 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 चिन्ह बदलेंगे, क्लियर। अब देखो यार माइनस हो गया क्योंकि ये चिन्ह बदल जाएगा है कि क्योंकि अगर मैं माइनस कर रहा हूँ तो प्लस और माइनस माइनस ही होगा, इससे ये कैंसिल हो गया, ठीक है, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव हो गया। अब देखो ना ये कितना हो जाएगा, ये हो गया क्या 9 है ना, 9y है और ये कितना हो जाएगा 4y है, तो 9y माइनस 4y कितना हो जाएगा 5y इज इक्वल टू, इसमें से इसको हटाना है तो क्या हो जाएगा, घटाते बन जाता है मतलब इसके माइनस ये, तो 6 − 4 कितना हो जाएगा 6 − 4 = 2, 9 − देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ये हो जाएगा 9 + 4 = 13। अब देखो 12 माइनस माइनस तो प्लस, तो 12 − 4 = 2 कितना होगा 14 और 0 − 10 तो ये −10 हो जाएगा। 5 का इधर ट्रांसफर कर दे तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/5 × 2 = 2 13 14 − 10, ठीक। अब मैं क्या काम कर देता हूँ कि 1/5 का यहाँ पर अंदर मल्टीप्लाई कर रहे तो y इज इक्वल टू कितना होगा, ये हो जाएगा 2/5 13/5 14/5 एंड −10/5 मतलब कैंसिल आउट करूँगा तो −2, क्लियर। तो ये y का आंसर हो चुका है, क्लियर है y का आंसर। अब x का आंसर निकालना है तो मैं इस y की वैल्यू को समीकरण नंबर कहाँ रख देता हूँ, 1 में रख देता हूँ। तब देखो यहाँ पर हम बात कर लेते हैं कि समीकरण नंबर 1 में मान रखने पर, ठीक है, जब समीकरण नंबर 1 में मान रखेंगे, समीकरण नंबर 1 ये था तो ये हो गया 2 × x की वैल्यू कितनी आ गई, सॉरी x की तो वैल्यू निकालना है ना, y की वैल्यू निकली भी तो ये x हो गया प्लस 3 × y की वैल्यू बताओ कितनी है, तो 2/5 13/5 14/5 एंड −2/5 इज इक्वल टू, ये कितना दिया बेटा 2 3 2 3 4 एंड 0, क्लियर। अब हम क्या काम करेंगे कि देखो ये 2y का तो 2y रह, सॉरी 2x का 2x रह जाएगा, ठीक है, प्लस 3 का अंदर मल्टीप्लाई कीजिए तो होगा 6/5 फिर 13 × 13 = 39 39/5 14 × 14 = 42 है ना, तो ये हो जाएगा 42/5 और 3 × 6 सॉरी −2 था ना, ओनली −2 था, ये क्या था −2, तो 3 × 6 बराबर ये कितना हो जाएगा 2 3 4 और ये 0, इतनी बात क्लियर हो गई। अब क्या काम करेंगे हम बेटा कि अब देखिए क्या हो जाएगा, देखो अब इसको हल करेंगे तो ये हो जाएगा 2x
प्लस, अब प्लस नहीं, इसका ट्रांसफर इधर कर देते हैं तो इज इक्वल टू क्या होगा, इज इक्वल टू ये हो गया हमारा 2, 3, 4 एंड 0 और ये माइनस, अब क्या हो जाएगा माइनस। अब देखिए जब माइनस करेंगे तो ये इधर हो जाएगा 6/5, ये हो जाएगा 39/5, हो जाएगा 42/5 और ये -6, क्लियर। तो अब क्या होगा देखो ध्यान से, ये 2x का 2x रहेगा इज इक्वल टू, जब माइनस करूँगा मैं तो 2 - 6/5 तो 5 × 2 = 10, 10 में से 6 गया तो 4/5, ठीक घटाते आना चाहिए आपको। अब कितना हो गया, 3 में से इतना घटाऊँगा तो 5 × 3 = 15 है ना, तो हो जाएगा 15 = 39, ठीक है। तो 9 में से 5 गया तो 4, 3 में से 1 गया तो 2, 24/5, ठीक। अब कितना हो जाएगा, 4 में से इसको घटाऊँगा तो 5 × 4 = 20, तो हो जाएगा 22/5, बड़ी संख्या के ऋण का चिन्ह तो ऋण का चिन्ह लगा देंगे और ये 0 माइनस माइनस प्लस 6, ठीक। अब 2 का ट्रांसफर इधर कर दीजिए तो x इज इक्वल टू ये हो जाएगा 1/2। अब देखिए कितना हो जाएगा, यहाँ सभी में से 2 भी कॉमन कर दीजिए, तो ये 2 कॉमन कर दिया मैंने मान के चलो, तो कितना हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 2/5, ये होगा -12/5, ये होगा -11/5 और ये हो जाएगा 3। देखो 2 से 2 कैंसिल, मतलब x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2/5 -12/5 -11/5 एंड 3, ये इसका आंसर हो जाएगा x की वैल्यू। देखो y की भी वैल्यू निकल चुकी है और x की भी वैल्यू निकल चुकी है। थोड़ा सा देखो जब भी भिन्न आती है और भिन्नों को जब हल करना होता है तो थोड़ा सा आप कहीं ना कहीं गलत करने की संभावना हो जाती है, तो थोड़ा सा ध्यान से देख करके बनाइएगा, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 के सेकंड का भी आंसर आ गया है, देखते हैं आंसर हमारा सही आया कि नहीं, ठीक, क्योंकि भिन्न में है ना। कहाँ गया हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है ना, ये आ गया 7, ठीक है। एक्स की वैल्यू तो आ चुकी है और वाई की भी वैल्यू आ चुकी है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा 7 भी हो चुका है, तो प्लीज़ पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। देखिए क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 क्या है हमारे पास कि x तथा y का मान ज्ञात करना है, यहाँ पर भी कैपिटल X और कैपिटल Y का मान ज्ञात करना है, जिसके लिए y बराबर दिया है और x 2x प्लस y बराबर भी दिया है, ठीक है। तो y बराबर, ये तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन है हमारे पास, इसके पहले जो हमने क्वेश्चन नंबर 7 देखा था थोड़ा सा उसमें x और y की वैल्यू निकालने के लिए विलोपन विधि का यूज़ करना पड़ा था, लेकिन यहाँ पर विलोपन विधि का यूज़ नहीं करना है। क्यों नहीं करना बेटा, क्योंकि देखो ना यहाँ पर y की वैल्यू दी है हमारे पास, हम सीधे यहाँ पर y की वैल्यू रख देते हैं और x का आंसर आएगा, क्लियर है। तो y की तो वैल्यू गिवन है हमारे पास, ठीक है। क्या बोलता है, x था y का मान ज्ञात कीजिए यदि y बराबर दिया है, अरे तो y बराबर दे ही दिया है तो x की तो वैल्यू निकालना है सीधे हमको, ठीक। तो हम क्या काम करेंगे कि यहाँ पर, तब हल में देखो जब जो दिया है उसकी बात नहीं करते, अब यहाँ पर सीधे देखो कि 2x कर दिया जाए और प्लस यहाँ पर यदि y की वैल्यू ये रख दिया जाए कि 3, 2, 1, 4, ओके। अब देखो इज इक्वल टू ये हो जाएगा 1, 0, -3 एंड 2, क्लियर। अब क्या काम करेंगे, इसका ट्रांसफर हम इधर कर दिया जाए, कर दे कि 2x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1, 0, -3 एंड 2 माइनस हो जाएगा 3, 2, 1, 4। अब देखो ये हो जाएगा 2x का 2x इज इक्वल टू, अब क्या काम कर दीजिए, इसमें से इसको माइनस करना है, संगत अवयव में संगत अवयव घटा देंगे, 1 - 3 इज इक्वल टू -2, 0 - 2 इज इक्वल टू -2, -3 - 1 इज इक्वल टू -4 एंड 2 - 4 इज इक्वल टू -2, ओके। अब कितना हो जाएगा कि इस अगर 2 का ट्रांसफर कर दे तो x इज इक्वल टू ये होगा बेटा 1/2, और एक बात देखो कि अगर मैं यहाँ पर 2 को का ट्रांसफर करता तो ये अपान में चला जाएगा, और यहाँ दोनों में इसमें से मैं अगर 2 को कॉमन कर दूँ तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा -1, -1, -2 एंड -1, ओके। देखो 2 से 2 कैंसिल हो चुका है तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, -1, -1, -2 एंड -1, ये हमारा आंसर होगा, क्लियर है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 बेटा, है ना। क्वेश्चन नंबर 9 क्या दिया गया हमारे पास, स्मॉल x और स्मॉल y का मान निकालना है, ठीक। और क्वेश्चन बहुत ही ईजी है हमारे पास, ये इक्वल है ना। तो देखिए ऐसा क्वेश्चन हम इंट्रोडक्शन वीडियो में भी देख चुके हैं, बहुत ही सरल था। तो आप क्या काम करना है कि सबसे पहले इस 2 का मल्टीप्लाई अंदर कीजिए, जब 2 का मल्टीप्लाई अंदर करेंगे तो हो जाएगा 2 × 2, 2 × 3 = 6, 2 × 0 = 0 एंड 2x = 2x, ओके। प्लस
ये हो जाएगा बेटा y 0 1 एंड 2 इज इक्वल टू ये होगा 5 6 1 8। क्लियर है? अब क्या काम करेंगे हम कि इन दोनों को ऐड करेंगे तो संगत अवयव संगत अवयव जुड़ जाएंगे, तो 2 प्लस वाई कितना हो जाएगा 2 प्लस वाई ही होगा। उसके बाद 6 प्लस 0 6, 0 प्लस 1 1 एंड 2x प्लस 2 तो ये हो जाएगा 2x प्लस 2 इज इक्वल टू ये होगा 5 6 1 8। क्लियर है? अब क्या काम करेंगे बेटा कि संगत, अब देखो समान अवयव की परिभाषा से, समान अवयव की परिभाषा से संगत अवयव अगर क्या होते हैं कि क्रम समान है और संगत अवयव इक्वल है तो इक्वल होते हैं, तो इक्वल वाली कंडीशन दिया तो संगत अवयव बराबर होने चाहिए। तो कितना हो जाएगा कि हो जाएगा 2 प्लस वाई इज इक्वल टू 5, मतलब y इज इक्वल टू कितना होगा, 2 का इधर ट्रांसफर कर दूँ तो 5 माइनस 2, तो y इज इक्वल टू कितना होने वाला है 3, तो y की वैल्यू निकल चुकी है। ठीक, अब x की वैल्यू निकालने के लिए हम ये इसका संगत अवयव ये है, मतलब 2x प्लस 2 इज इक्वल टू 8, तो इस 2 का ट्रांसफर कर देते हैं तो ये हो जाएगा 2x इज इक्वल टू 8 माइनस 2। तो देखिए अभी x इज इक्वल टू इस 2 का भी ट्रांसफर करूंगा तो 8 माइनस 2 क्या होगा 6 अपान ये हो जाएगा 2, कैंसिल आउट करूंगा तो 3 टाइम कैंसिल आउट होगा तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 3। तो ये हो गई हमारे पास x की भी वैल्यू निकल चुकी है। तो क्वेश्चन नंबर 8 हो चुका है, क्वेश्चन नंबर 9 हो चुका है, बहुत ही ईजी है ना, सरल है, आपको हल करना है। तो आप इसको नोट कर लीजिए जल्दी से, देखते हैं अभी बेटा हम क्वेश्चन नंबर 10। ठीक, देखिए आप वीडियो को अगर देख रहे हैं पूरा कंप्लीट तो कंप्लीट देखें है ना, और इसको देखने के साथ साथ आप इंट्रोडक्शन वीडियो जरूर देखें तो उससे आपको एक्सरसाइज किस प्रकार से हल करना है ये पता चल जाएगा। और जो भी बच्चे इनने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ठीक है बच्चों, और बेल आइकन को इनेबल कर ले। ठीक है, देखते हैं बेटा इसका क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 10 कि कहे कि प्रदत्त समीकरण को एक्स वाई जेड तथा टी के लिए हल कीजिए, मतलब यहाँ पर एक्स वाई जेड और टी का भी मान निकालना है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या दिया गया है हमारे पास कि ये 10 हल कर रहे हैं हम, यहाँ पर क्या दिया गया कि 2 इंटू एक्स जेड वाई एंड टी प्लस 3 इंटू 1 माइनस 1 0 एंड 2 इज इक्वल टू 3 इंटू 3 5 4 एंड 6। ओके, इसको सॉल्व करना है। ठीक है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, नहीं है हार्ड, है ना। अब क्या काम करेंगे हम इसको कि 2 का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2x 2z 2y एंड 2t। क्लियर, प्लस 3 का भी अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 3 1 जा 3 माइनस 3 0 एंड 6 इज इक्वल टू, यहाँ पर भी 3 का अंदर मल्टीप्लाई कीजिए कितना हो जाएगा 3 3 9 और ये हो जाएगा 3 5 15 3 4 12 और 3 6 18। क्लियर है? अब इन दोनों को हम ऐड कर देंगे तो हो जाएगा बेटा संगत अवयव संगत अवयव जुड़ेंगे तो 2x प्लस 3 तो जाएगा 2x प्लस 3, 2z प्लस तो जाएगा 2z माइनस 3 होगा, ये 2y प्लस 0 मतलब 2h होगा और 2t प्लस ये हो जाएगा 6 इज इक्वल टू 9 15 12 एंड 18। क्लियर है? अब क्या काम करेंगे हम समान अवयव की परिभाषा से, समान अवयव की परिभाषा से क्या हो जाएगा समान अवयव की परिभाषा से बेटा कि संगत अवयव बराबर होते हैं, मतलब क्या हो जाएगा 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 9। ठीक, 3 का ट्रांसफर करो तो जाएगा 2x इज इक्वल टू 9 माइनस 3 एंड x इज इक्वल टू 9 माइनस 3 कितना होगा 6 अपान ये हो जाएगा 2, कैंसिल आउट करूंगा तो x इज इक्वल टू 3, तो x की वैल्यू निकाल चुके हैं हम। क्लियर, अब क्या काम करेंगे y की वैल्यू निकालना है, मतलब 2y इज इक्वल टू 12 तो y इज इक्वल टू अगर कैंसिल आउट करूँ तो 6 हो जाएगा, तो y इज इक्वल टू कितना आया 6 हो गया। अब देखो z की वैल्यू निकाल देते हैं हम यहाँ पर तो जाएगा 2z माइनस 3 इज इक्वल टू 15 होगा, ये इसका संगत ये है। अब देखिए 3 का ट्रांसफर करूँगा मैं इधर तो हो जाएगा 2z इज इक्वल टू 15 माइनस 3, तो z इज इक्वल टू कितना होगा 15 माइनस 3 12 अपान ये हो जाएगा 2 इधर आएगा, कैंसिल आउट करूँगा तो z इज इक्वल टू 6। अब देखिए अब मुझे t का मान निकालना है तो ये हो जाएगा 2t प्लस 6 इज इक्वल टू 18, तो हो जाएगा 2t इज इक्वल टू 18, ये इधर ट्रांसफर करेंगे तो माइनस था ये प्लस हो जाएगा 15 18 होगा,
18 कैंसिल आउट करूँगा तो कितना होगा 2, तो 9 दूनी 18 9 होगा, ठीक है। अब देखो इसका ट्रांसफर इधर कर दिया तो टी इज इक्वल टू कितना होगा, 18 में से गया तो 12 बटे 2, ठीक है, कैंसिल आउट कर दो तो ये टी इज इक्वल टू 6 होगा, ठीक है बच्चों। ये हमारा क्या हो गया, क्वेश्चन नंबर 10 हो गया, था इजी था ना, कठिन नहीं है ना। अब देखो क्वेश्चन नंबर 11, हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। क्या दिया गया है कि यदि x इंटू 2, 3 प्लस y इंटू -1, 1 इज इक्वल टू 10 and 5 हो तो x और y का मान ज्ञात कीजिए। बहुत ही ईजी है ये भी। क्या काम करेंगे, 2 पहले x का अंदर मल्टीप्लाई कीजिए तो हो जाएगा x यानी 2x और हो जाएगा 3x, क्लियर। अब प्लस y का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो -y and y इज इक्वल टू ये होगा 10 और ये 5, क्लियर। दोनों को ऐड कर दीजिए तो जाएगा 2x माइनस वाई एंड ये हो जाएगा बेटा हमारा 3x प्लस वाई, ठीक, इज इक्वल टू 10 एंड ये 5। अब वही समान आव्यूह की परिभाषा से है ना, समान आव्यूह की परिभाषा से तो क्या होगा, अब इन दोनों को हम क्या कर देंगे, ये दोनों के इक्वल हो जाएंगे तो मतलब 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 10, ठीक, एंड 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। इसको दे देते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इसको दे देते हैं इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब हम क्या करते हैं कि समीकरण नंबर 1 धन समीकरण नंबर 2 यानी समीकरण 1 में 2 को जोड़ने पर जब जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 10 एंड 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। देखो जोड़ रहा हूँ तो ये प्लस ही रहेगा, ये भी प्लस रहेगा और ये भी प्लस हो जाएगा, कैंसिल हो गया। देखो प्लस वाई माइनस वाई कैंसिल आउट हो जाएंगे, सॉरी ये तो 8 हो जाएगा ना, ये कैंसिल हो गया तो ये 5x होगा इज इक्वल टू ये होगा 15, कैंसिल आउट करेंगे तो x इज इक्वल टू कितना आ गया, 3 होगा, पास दिया 15, तो x की वैल्यू कितनी हो गई, 3 हो गई। अब इस x की वैल्यू को हम समीकरण नंबर किस में रख देते हैं, 1 में रख देते हैं। तो देखिए समीकरण नंबर 1 में मान रख देते हैं तो कितना होगा, समीकरण नंबर 1 में मान रखेंगे तो ये हो जाएगा बेटा 2x की जगह 2, अब x की जगह रखेंगे 3 तो हो जाएगा 3 into 3 माइनस वाई इज इक्वल टू 10, इसका ट्रांसफर इधर करो तो माइनस वाई इज इक्वल टू 10 - 6 तीन दूनी 6 तो माइनस वाई इज इक्वल टू कितना होगा 4, तो वाई इज इक्वल टू -4 हो जाएगा, वाई इज इक्वल टू कितना आ जाएगा -4। ये क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा था, 11 था, है ना। तो देखिए ये भी सॉल्व हो चुका है तो प्लीज़ पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। देखिए क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है बेटा कि यदि 3 into ये मैट्रिक्स दिए हो तो मुझे एक्स वाई जेड और डब्ल्यू का मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो देखिए हम इसके मान कैसे ज्ञात करेंगे, क्या काम करेंगे, देखिए क्वेश्चन दिया गया है तो इसको अब हल ही लेकर के चलते हैं हम। क्या हो जाएगा, 3 का अंदर मल्टीप्लाई कीजिए यहाँ पर सबसे पहले तो हो जाएगा 3x 3y 3z and 3w, ओके इज इक्वल टू। अब देखिए अब इन दोनों को आप ऐड कर दीजिए, संगत अवयव संगत अवयव को जोड़ो तो ये हो जाएगा x प्लस 4 ये हो जाएगा 6, है ना, ऐड करने वाला हूँ मैं यहाँ पर तो जाएगा x प्लस y प्लस 6 माइनस 1 प्लस क्या है, माइनस 1 प्लस z प्लस ओमेगा है क्या, क्या था z प्लस w था, z प्लस w कितना हो जाएगा, ये होगा z प्लस w माइनस 1 और ये हो जाएगा 2w प्लस 3, है ना, प्लस 3, ठीक है। अब क्या काम करेंगे हम, इज इम्प्लाइज, अब देखिए अब क्या काम करो, इज इम्प्लाइज लगाने की ज़रूरत नहीं, अब क्या काम करेंगे हम समान आव्यूह की परिभाषा से, है ना, समान आव्यूह की परिभाषा से क्या हो जाएगा कि संगत अवयव क्या होते हैं, बराबर होते हैं, मतलब 3x इज इक्वल टू x प्लस 4, ठीक है, x प्लस 4 हो जाएगा। अब देखो हम क्या काम करेंगे कि इस x का इधर ट्रांसफ़र करेंगे तो हो जाएगा 3x माइनस x इज इक्वल टू 4, 3x माइनस x कितना हो जाएगा 2x इज इक्वल टू 4, 2 से 4 2 टाइम कैंसिल तो मतलब x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए हम क्या काम करेंगे, ये 3y को लेते हैं तो हो जाएगा 3y इज इक्वल टू x प्लस y प्लस 6, ओके y का इधर ट्रांसफ़र करो
तो जाएगा 3y - y = x की वैल्यू 2 है, रख दो 2 + 6, तो जाएगा 3y - y, तो ये हो जाएगा 2y = 2 + 6 कितना होगा 8, 2 का देखो 2 से 8 को कैंसिल आउट करूँगा 4 टाइम, तो y = कितना हो गया 4। क्लियर है? अब देखिए हम क्या काम करेंगे यहाँ पर कि अब ये कितना दिया है, 3z दिया है हमारे पास, तो मैं इस 3z को है ना, अब 3z को हल करने से पहले ओमेगा यानी कि w की वैल्यू निकालते हैं, तो w की वैल्यू निकालने के लिए क्या काम करूँगा मैं कि हो जाएगा 3w = 2w + 3। देखो इसका इधर ट्रांसफर करेंगे तो ये माइनस में चल जाएगा, तो 3w - 2w कितना होगा w = 3, तो मतलब w की भी वैल्यू निकल चुकी है। अब क्या काम करेंगे हम कि इसको जेड वाले को ले लेते हैं, तो 3z + z ओमेगा - 1, ओके यानी w - 1, तो कितना होगा इसका ट्रांसफर इधर करूँगा मैं, तो जाएगा 3z - z = w की वैल्यू कितनी है 3 है, तो जाएगा 3 - 1, तो 3z - 1 z कितना होगा 2z = 3 - 1 2, 2 से 2 कैंसिल मतलब z = 1। तो यहाँ पर x, y, w और z की वैल्यू निकल चुकी है। क्लियर? अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। तो क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है कि यदि fx = ये कंडीशन दी हुई है, ये इस क्वेश्चन को थोड़ा सा अच्छे समझिए, थोड़ा सा मतलब यहाँ पर आपको फंक्शन की बात करनी है। मैंने कहा कि फंक्शन fx गिवन है, fx = ये हमारे पास आव्यूह दिया गया है, ठीक है। अब देखिए अगर ये दिया हुआ हो तो हमें सत्यापित करना है कि fx * fy = fx + y होता है। क्लियर? तो मुझे बेटा fx की तो वैल्यू दी हुई है ना, मुझे fy की वैल्यू निकालना है, तब मैं क्या काम करूँगा यहाँ पर fy निकाल देता हूँ। fy = देखो fx दिया है इसलिए सभी जगह x दिख रहा है ना फलन के साथ, तो मैं fy बोला तो यहाँ पर क्या कर दूँगा कि इसको करेंगे cos y, ठीक है, -sin y = 0, ये sin y cos y = 0, 0, 0, 1। क्लियर? इतनी बात समझ में आ गई। अब क्या काम करेंगे बेटा कि हम इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देते हैं, तभी लेफ्ट हैंड साइड यूज़ करेंगे कि नहीं, क्या हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड से, लेफ्ट हैंड साइड क्या है fx * fy = fx की वैल्यू कितनी है, तो जाएगा cos x - sin x = cos x, फिर cos x = 0 एंड 0, 0, 1, ओके। अब इनटू y की वैल्यू निकाल दो fy की, तो जाएगा cos y - sin y, फिर ये sin y एंड cos y, ये होगा 0, 0, 1 एंड 0, 0। क्लियर है? अब दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है बच्चों, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, पहले फर्स्ट रो का मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम में करूँगा तब मुझे फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट फाइंड होगा, तो cos x * cos y हो जाएगा cos x * cos y। क्लियर? फिर -sin x * sin y करेंगे तो -sin x * sin y होगा, ये इतनी बात क्लियर हो गई। अब देखो 0 का मल्टीप्लाई 0 में करूँगा तो 0 हो जाएगा +0, ठीक। अब देखिए फर्स्ट रो का मल्टीप्लाई फर्स्ट सेकेंड कॉलम में करेंगे तो मुझे फर्स्ट रो का सेकेंड एलिमेंट फाइंड होगा, cos x - sin y, क्या काम करेंगे तो जाएगा माइनस, क्या हो जाएगा cos x * sin y, ठीक है। अब क्या काम करूँगा इस -sin x का मल्टीप्लाई cos y में करूँगा तो माइनस, ये हो जाएगा cos y और ये हो जाएगा sin x। क्लियर है? अब देखो इस 0 का मल्टीप्लाई 0 में करूँगा तो +0 होगा। अब ध्यान से देखो फर्स्ट रो का मल्टीप्लाई थर्ड कॉलम में करूँगा तो कितना होगा, इसका मल्टीप्लाई इससे करूँगा तो 0 + 0 + अब देखो 0 का मल्टीप्लाई इसमें किया तो 0, 0 का मल्टीप्लाई इसमें किया तो 0 और 0 का मल्टीप्लाई 1 में करूँगा तो 0 ही होगा। क्लियर? अब देखिए क्या काम करेंगे, सेकेंड रो का मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम में करेंगे तो sin x का cos y में मल्टीप्लाई करूँगा तो हो जाएगा sin x cos y - प्लस, ये दोनों पॉजिटिव है ना, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा sin y और ये हो जाएगा cos x, ठीक। ये होगा +0 × 0, 0 होगा, इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो हो जाएगा -sin x sin y
अब देखो इसका मल्टीप्लाई हम इसमें करेंगे तो प्लस, ठीक, क्या हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा कॉस एक्स कॉस वाई, ठीक। अब क्या काम करेंगे, कॉस एक्स और ये कॉस वाई हो गया। इसके बाद देखिए ज़ीरो का मल्टीप्लाई ज़ीरो में करूँगा। अब देखो ना ध्यान से, अब क्या काम हो गया, प्लस ये होगा ज़ीरो। अब देखो इसका मल्टीप्लाई ज़ीरो ज़ीरो में करूँगा तो ये होगा प्लस ज़ीरो प्लस ज़ीरो प्लस ज़ीरो। देखो ना इसका मल्टीप्लाई ज़ीरो से करूँगा ज़ीरो, इसका मल्टीप्लाई ज़ीरो से करूँगा ज़ीरो, और ज़ीरो इंटू वन ज़ीरो हो गया, ठीक। अब थर्ड रो का मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम में तो होगा बेटा ज़ीरो प्लस ज़ीरो प्लस ज़ीरो, ये हो जाएगा ज़ीरो प्लस ज़ीरो प्लस ज़ीरो, और ये हो जाएगा ज़ीरो इंटू ज़ीरो ज़ीरो प्लस ज़ीरो प्लस वन। मल्टीप्लाई करेंगे देखो वन का वन इंटू वन वन होगा। अब क्या हो जाएगा इज इक्वल टू, अब देखो कॉस एक्स कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई, अब प्लस ज़ीरो, ज़ीरो का तो काम खत्म हो गया ना, तो कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई इज इक्वल टू क्या होता है, कॉस एक्स प्लस वाई होता है। ये क्लास इलेवंथ का फार्मूला है, ठीक। अगर मैं दोनों में से माइनस साइन कॉमन कर दूँ और माइनस साइन कॉमन करूँगा तो माइनस साइन सामने लिखूँगा। अब देखो जब माइनस साइन कॉमन हो जाएगा तो एक कॉस एक्स साइन वाई, ये क्या हो जाएगा प्लस कॉस वाई साइन एक्स, मतलब मैं इसको बोल सकता हूँ इसको अगर आगे लिखूँ तो साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस प्लस साइन साइन वाई कॉस एक्स हो जाएगा, मतलब इसको लिखूँगा मैं कि साइन एक्स प्लस वाई, ठीक। पूरा ज़ीरो है तो ज़ीरो लिख दीजिए। चलो साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस वाई साइन एक्स इज इक्वल टू कॉस सॉरी इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस वाई। अरे होता है कि नहीं कि साइन हमने पढ़े थे किस रूप में पढ़े थे, कि सी डी के रूप में पढ़े थे ना, सी डी के रूप में पढ़े थे, तो क्या हो जाता है कि साइन सी, या फिर आप ए बी के रूप में देख लीजिए तो कि साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए कॉस बी इन प्लस कॉस बी साइन ए, इस रूप में होता है। तो हमने इस टर्म में लिख दिया इसको, अब क्या हो गया ज़ीरो। अब देखो ये माइनस है, अब मैं इसको अगर पहले देखूँ इसको बाद में लिखूँ तो कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई, ऐसी वाली कंडीशन आ गई, मतलब इसको लिखेंगे कॉस एक्स प्लस वाई और ये ज़ीरो की ज़ीरो, ज़ीरो की ज़ीरो, ज़ीरो की ज़ीरो और वन की वन, ठीक। अब देखिए इन सब की बात करूँ मैं, इन सब की बात करूँ तो एक इसके समान दिख रहा है। अब मैं अगर बात करूँ तो ये हो जाएगा एफ एक्स इंटू एफ वाई इज इक्वल टू, अब इस टर्म को देखें हम अच्छे से तो देखो ना कि ये सेम इसी के जैसे दिख रही है, सेम एफ एक्स के जैसे दिख रही है कि नहीं, लेकिन यहाँ पर एक्स की जगह क्या एक्स प्लस वाई है, तो मैं इसको बोल सकता हूँ एफ एक्स प्लस वाई, ठीक है। तो ये हमारा प्रूफ हो चुका है, प्रूफ क्लियर है। क्या कठिन था, बहुत इजी है, तो प्लीज़ पॉज द वीडियो नोट इट डाउन।